चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। नबील, आज फिर तुम्हारी वजह से चांदी को स्कूल में जलील होना पड़ा। क्यों जानू, मैंने कौन सा चांदी की टीचर को लव लेटर लिख दिया है? चांदी की फीस अभी तक जमा नहीं हुई नबील। तो करवा दो जानू। मैं कैसे कराऊं? क्यों, तुम्हारे पापा ने अभी तक पैसे नहीं भेजे क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें नबील। क्यों जानू, आज फैसला होकर रहेगा नबील कि तुम नौकरी करोगे या नहीं। खूबसूरत, मेरे खानदान में आज तक किसी मर्द ने नौकरी करने की कोशिश नहीं की, और जिसने भी खानदानी रवायात से बगावत करने की कोशिश की है उसे 3,000 से ज्यादा की नौकरी नहीं मिली। क्या? हाँ जानू, मैं अपने खानदान से बगावत के बारे में सोच भी नहीं सकता। 5,000 रुपए तो मेरी पॉकेट मनी है जो तुम्हारे पापा भेज दे, और 4-5 हजार में सौदे में से बचा लेता हूँ। घर बैठे बिठाए मुझे 8-10 हजार रुपए मिल रहे हैं, मैं पागल हूँ जो 3,000 की नौकरी करूंगा? नबील, मैं पापा से बार बार पैसे नहीं मांग सकती। तुम्हें किसने कहा है कि अपने पापा से बार बार पैसे मांगो, और तुम्हारे पापा को क्या जरूरत है कि बार बार पैसे भेजते हैं वो? नबील। हाँ जानू, उन्हें हमारे घर के खर्चे का पता है, उनसे कह दो कि 6 महीने का एडवांस खर्चा भेजा करें। व्हाट? जानू आइडिया पसंद आया? शट अप नबील। ओके जानू। माजी बस बहुत हो गया, अभी तो मैंने समोसा खाना भी शुरू नहीं किया। बंद? ना, मैं बंद नहीं करूंगी। ये बंद है? नहीं पुत्र, ये पहले बंद था, अब तो मैंने इसे खोल लिया है। ओह गॉड, क्या हुआ? माजी, आपके बेटे ने तो सारी जिंदगी नौकरी करनी नहीं है, मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं काम करूंगी। वेरी गुड कलसोम, जा मेरे लिए एक और अच्छी सी चाय बना के ले आ। मैं घर के काम की बात नहीं कर रही। फिर? नौकरी करने की बात कर रही हूँ। ओए खबरदार, जो तूने वो करने की कोशिश की हो तो। वो क्या? वही जो तू करने की कोशिश कर रही है। हाँ। नौकरी? नौकरी नहीं, बदतमीज। ओए हाँ, बदतमीजी। खबरदार, जो तूने बदतमीजी करने की कोशिश की हो। हमारे पूरे खानदान में आज तक किसी औरत ने नौकरी नहीं की। आपका खानदान कौन सा तारीख में पढ़ाया जाता है, वैसे भी जाहिलों को नौकरी नहीं मिलती। तूने मुझे जाहिल कहा? हाँ? आपके यहाँ ना मर्द काम करते हैं ना औरतें, बस मुफ्त की रोटियाँ तोड़ते रहते हैं। अब मैं समझी, तेरी नजर ना मेरी इस रोटी पर है। ओए गलती मेरी थी जो मैं तुझ जैसी लड़की को अपनी वो बना कर लाई हूँ। वो क्या? वही जो तू मेरी है दुश्मन। हू बहू मेरी पिछली नंद पे गई है तू। हाँ, हू नहीं बहू, गलती हो गई जो तुझे मैं बहू बना के लाई हूँ। आप मुझे अपनी बहू बनाकर नहीं लेके आई, मैं आपको अपनी सास बनाकर लेके आई हूँ इस घर में। क्या? जी हाँ। किसने मेरी कितनी बेइज्जती की है? कोयल कहाँ है? कोयल भाई ना, आपकी कोयल यहाँ नहीं है, पड़ोस में होगी शायद, चेक कर ले। यहाँ गाना कौन गा रहा था? मैं गा नहीं रही थी, मैं रो रही थी। अरे आप रोती ऐसा है तो गाती कितना चाहूंगी। है कोयल, एकदम कोयल। नहीं जी, मेरा नाम कोयल नहीं है, मेरा नाम है बुलबुल। बुलबुल? बुलबुल है की बुलबुल? आपको पता है मैं कब से आपकी आवाज की तलाश में था? पर ये आवाज तो कब से ही मेरे गले में रखी हुई थी ना। गले में? हाँ भाई। आपको गाने का शौक है? नहीं जी, मुझे बचपन से मुझे डांस करने का बड़ा शौक है। और मुझे देखने का? हशवशे। मामा कौन आया है? ओ भाई तू भी अच्छे आ जा। मेरे पास टिकट नहीं है भाई। आप आ गए अनवर? महमूद। हाँ महमूद साहब आए, महमूद साहब। तुम्हारा नाम महमूद है? मेरा नाम है ख्वाजा दानिश ख्वाजा। नाम तो सुना होगा? नहीं नहीं। जैसे चैनल का नाम तो सुना होगा, द म्यूजिक, पाकिस्तान का नंबर 1 म्यूजिक चैनल। नंबर 1? ये कहाँ आता है? टीवी में आता है भाईजन, लेकिन हमने कभी देखा नहीं है। म्यूजिक देखा नहीं, सुना जाता है, जैसे आज मैंने सुन लिया। अरे क्या सुन लिया? आपकी बीवी को
पता ही नहीं, वो खजाना है खजाना। अरे इसलिए तो मैं खुद इसे लॉन में दफनाने का सोच रहा हूँ। आपको अंदाजा नहीं है, मैं इनको सिंगर बना दूंगा सिंगर। अरे तो इनके गाने कोई और गाएगा क्या? ये अपने गाने खुद ही गाएंगी, मैंने इन्हें डिस्कवर कर लिया है। तुम मार्को पोलो? अरे नहीं नहीं ख्वाजा, दानिश ख्वाजा, नाम तो सुना होगा। मुझे तो पता ही नहीं चला मैं डिस्कवर हो गई हूँ। मैं डिस्कवर हो गई, पता नहीं लगा मुझे। पता चल जाएगा जब आप रातों रात मशहूर होंगे, करोड़पति बन जाएंगे, पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट्स होंगे। अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं सरू के दरख्त की तरह? अंदर आइए ना, बैठ कर बात करते। आइए आइए आइए। मोमो इधर, अंदर इधर है। हाँ हाँ चलें चलें ना। बड़े खुशकिस्मत हैं आप कि आपको ऐसी बीवी मिली। अरे अभी थोड़ी देर में आपको भी पता चल जाएगा, बैठिए ना। आप तो बैठे हुए हैं। मैं आपके लिए ना वो लेकर आती हूँ। वो क्या? वो जो शाम के वक्त पीते हैं ना। वो आप मुझे दिन में पिलाएंगी? हाँ आपके साथ हम भी पी लेंगे भाई। आप भी पीती हैं? ला जी हम तो सुबह दोपहर शाम हर वक्त पीते हैं। वाह 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 वा, सिंगर बनने की सारी क्वालिटीज है इनमें। थैंक यू। उसके साथ आप क्या लेंगे? मूंगफलियाँ ले आइएगा। हाय आप मूंगफलियाँ चाय में डुबो के खाएंगे? चाय में? हाँ चाय, चाय के साथ क्या लेंगे? अरे मोमो कुछ भी ले आओ, जाओ ना मुझे इनके साथ जरा जरूरी बातें करनी है, जाओ। ये इतनी देर से चाय की बात कर रही थी? अरे नहीं जी, बेकार की बात कर रही थी, आइए हम कुछ काम की बात कर लें। ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप मोमो से सिर्फ एक गाना गवाएंगे? अरे पूरी एल्बम बनाएंगे हम इनकी। सच? अरे महमूद साहब ये कौन है, इतना बड़ा आदमी? अरे नबील ये दा म्यूजिक के हेड है, दानिश ख्वाजा उर्फ डी के, रात को पी के सुबह जी के। चल ठीक है। अरे डी के बॉस कैसे हैं आप, और यहाँ कैसे आना हुआ? अरे ये तुम्हारी माँ का एल्बम बनाना चाहते हैं। ओ माँ जी की तस्वीरें कहाँ अच्छी आती हैं यार, आप मेरा एल्बम बनाएं। मैं म्यूजिक एल्बम की बात कर रहा हूँ। माँ जी उसमें क्या करेंगी? अरे गाना गाएंगी और क्या करेंगे नबील। ओ महमूद साहब हद ही करते हैं आप यार, घर में इतना बड़ा सिंगर मौजूद है और आप डी के बॉस को उससे मिलवा ही नहीं रहे। अरे नहीं भाई ये तुम्हारी माँ से मिल चुके हैं। अरे मैं अपनी बात कर रहा हूँ यार, मैंने क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा हुआ है एक वर्कशॉप से। वो जो तुमने सीखा हुआ है वो क्लासिकल है? हाँ जी। आइए हम वहां बैठकर बात करते हैं और तुम यहां बैठकर रियाज करो। आइए महमूद साहब डीके से घर के जाले, ठीक है? ओके। अरे डीके बॉस के लिए चाय लेकर आओ। आ गई आ गई। इसमें चीनी थोड़ी डाली ना? एक मिनट। नहीं। अब्बा बोबा। ये बताइएगा डीके बॉस कि अब मोमो को करना क्या होगा? ये चाय मेरे लिए दोबारा बनानी होगी। नहीं मेरा मतलब है कि गाने के लिए क्या करना होगा? अरे इन्हें कुछ भी नहीं करना होगा। नहीं तो गाना भी नहीं गाना होगा? नहीं नहीं वो तो गाना होगा। वो क्या? गाना। हाँ गाना तो ये गा लेगी। हाँ जी हाँ जी, बस को लिख के दे देना कि मुझे क्या गाना है। अरे आपको बस गाना गाना है। कौन सा भाई? कोई भी अच्छा सा गाना। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। अच्छा ये बताए कि पब्लिसिटी आप खुद करेंगे? पब्लिसिटी? हम ऐसी पब्लिसिटी करेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी, हमारा चैनल देखे ना देखे। वैशवशे ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। अरे नबील ये क्या बकवास कर रहे हो यार तुम, देख ही देखे हम कारोबारी मीटिंग कर रहे हैं। महमूद साहब वाकई मेरे मैं माफी चाहता हूँ, बहुत ही लाउड इंसान है ये। अच्छा बेसुरा भी है। बेसुरा तो गजल से है। अच्छा ये बताइए कि हम वो क्या फिर इसका करेंगे? अरे सर जी इंटरनेशनल सिंगर है, इंटरनेशनल सिंगर पूरी दुनिया में शो कर चुकी है। क्या आपने नाम नहीं सुना? अरे सुनेंगे कैसे, वो दूसरे नाम से गाती है ना। अगले हफ्ते उसका वीडियो आ रहा है और उससे अगले महीने म्यूजिक एल्बम। जी जी हाँ हाँ पूरा महीना कॉन्सर्ट्स कर लेंगे। वो सिंगर थकती नहीं है क्योंकि वो सिगरेट नहीं पीती। बस आप बाकी बातें छोड़े, आप जरा पैसे बताएं। जी पैसे कुछ ज्यादा नहीं हो सकते?
चलिए कोई बात नहीं, एडवांस रात तगड़ा भेजिएगा। कोई मसला नहीं है जी, कॉन्सर्ट जो है वो वीडियो आने के बाद शुरू कर दीजिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज, बाय। ये चीज, अरे आप एक दफा उस सिंगर को सुन तो ले, पागल हो जाएंगे। आस्तोत्री आले आले आले। अरे दुबई में तो बेशुमार कॉन्सर्ट किए हैं उन्होंने। हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया। अजी भी पिछले दिनों चाइना में भी शो करके आई हैं। बाबा पूपा की की बाबा इहा। अजी हर जुबान में गाने गा लेती हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। इंग्लिश में देखे, इंग्लिश के अलावा वो हर जुबान में गाना गा लेती हैं। आप एक मरतबा कॉन्सर्ट करवा के तो देखे। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तुम क्या बकवास कर रहे हो नबील? जानू मैं बकवास नहीं कर रहा, मैंने तो शोज भी पकड़ लिया 3,000 के। व्हाट? हाँ जानू। नबील 3,000 के शोज कहाँ होते हैं? जानू फ्लैटों की छतों पर, बच्चों की सालगिरहों में। तुमने बच्चों की सालगिरहों की शोज पकड़ ली हैं? जानू ये तो शुरुआत है, कुछ सालों बाद देखना लोग हमें अपनी शादी की सालगिरह में भी बुलाएंगे। नबील तुमने जिन लोगों से भी एडवांस दिया ना, फौरन वापस करो। कैसी बातें कर रही हो जानू, कॉन्सर्ट के सारे टिकट बिक चुके हैं, वेन्यू पर लोगों ने हलीम की देगे बगानी शुरू कर दी है और तमाम बस स्टॉपों पर हमारे पोस्टर लगे हुए हैं। ओह गॉड। जानू तुम नर्वस हो रही हो? शगाब नबील। ओके जानू। अरे टीके बॉस, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। आप लोगों ने पैसों का बंदोबस्त कर लिया? हाँ, ये पूरे 50,000 रुपए, बाकी के 4,500 मैं अपनी जेब से डाल लूंगा। अरे आपकी जेब जूते तक है जिसमें 4,500,000 रुपए आ जाते हैं? अरे डीके साहब, आप इसकी बात का बुरा मत मनाइएगा, इसने जिंदगी में कभी 10,000 से ज्यादा पैसे देखे ही नहीं है। महमूद साहब आप गिन लीजिए। अरे आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? क्या हुआ, आपको गिनती नहीं आती? मोमो लाइनें रिपीट मत करो। आप लोग तैयार हैं? कल से आप लोगों की वीडियो शूट है। मैं तो कब से वो हूँ बीमार, वो जो सेहतयाब होने के बाद होते हैं। सेहतमंद नहीं। अच्छा छोड़ो, मुझे देर हो रही है, मुझे आप लोगों की वीडियो शूट की तैयारी भी करनी है। तैयारी? मैं तो कब से तैयार हूँ। माँ जी ने तो कल से कपड़े ही नहीं बदले। हाँ दांत भी नहीं साफ किए। मैं आप लोगों को शाम को फोन करके बताता हूँ कि आप लोगों ने शूट पर कल कहाँ पहुँचना है। ये वीडियो रिलीज कब तक हो जाएगी? अरे कल शूट होगी और परसों रिलीज हो जाएगी। इतनी जल्दी? आप क्या कुत्ते पे कैमरा रख के शूट करेंगे? अपना चैनल होने का यही तो फायदा होता है। वेरी गुड। मैं सब अच्छा है ना, हमारे कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले वीडियो रिलीज हो जाएगी। तो मैं चलूं फिर। आप लोगों के दिन अब बदलने वाले हैं। सच? जी। ओके ठीक है बॉस। ठीक था मेरा ख्याल। ठीक है ठीक है। मैं मुसा मुबारक हूँ, अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। वो जो बदलने वाले हैं वो हमारे दिन हैं। जी भविष्य ये चीज। मैं मुसा फोन को हाथ मत लगाइएगा, फोन में करंट आ रहा है। मैं हूं सब, जिन लोगों से हमने एडवांस पकड़ा था ना, सुबह से उनके फोन आ रहे हैं। अरे हमारा वीडियो के बगैर बने ही चल गया। मैं हूं सब, वो कह रहे हैं हमारी बिल्डिंग के सारे लोग टीवी के सामने बैठे वीडियो का इंतजार कर रहे हैं। यार नबील डीके बॉस को फोन करो यार, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। चलो मैं अपने फोन से करके देख लेता हूँ। यार नबील उसका तो फोन ही बंद जा रहा है। क्या? हाँ नबील। जी जानू। यार मैंने भी अपने एक दोस्त को फोन किया, वो कह रही है डीके तो किसी चैनल का हेड नहीं है, उसका तो गाड़ियों का बिजनेस है। क्या? हाँ वो तुम लोग को बेवकूफ बना गया है। इसका मतलब है कि मेरा मतलब है कि डीके पैसे लेके भाग गया। चल पुत्र शूटिंग पे चल। ओ माँ जी हम एक बार फिर लुट गए। नबील अब क्या करेंगे यार? महमूद साहब शुक्र अदा करें यार, हमने अपनी जेब से 50,000 नहीं दिया था, लोगों से एडवांस लेके दिया था। इसका मतलब है हम बच्चे बच्चे बच गए जमाल। बाल बाल। इसका मतलब है हमारे बच्चे बाल बाल बच गए। हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ महमूद साहब। अरे नबील अगर वो लोग अपने पैसे वापस लेने आ गए तो क्या होगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे भाई तो आप सोच लो। सोचना क्या है महमूद साहब, मेरी खूबसूरत बीवी मेरी कुट बजाने के लिए फ्लैटों की छत पे कॉन्सर्ट करेगी। शट अप नबील, ऐसा सोचना भी मत। ओके जानो। यार नबील
यार ये तुम्हारी बीवी को तो तुम्हारी जान की कोई परवाह ही नहीं है, लेकिन मेरी मोमो जरूर परफॉर्म करेगी, है ना मोमो? आओ नबील चलकर देखते हैं बाहर कौन है। मैं मुसा अकेले ही देख ले यार। अच्छा जी। आप लोग क्यों आ गए हमें लेने? हम तो खुद आ रहे थे आप लोगों के कॉन्सर्ट के लिए। ओए हमें नहीं करवाना कोई कॉन्सर्ट। चलो ठीक है आपकी मर्जी, चले मैं वो अंदर। कहाँ जा रहा है, पैसे तो दे। देखिए अगर हम आप लोगों के पैसे ना दे तो आप लोग क्या करेंगे? अबे तो इतना मारेंगे कि सोच है तेरी। चले ठीक है आ जाए मैं मूसा। आओ इधर नरम हाथ रखना। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।